एक विवादास्पद मुस्लिम टेलीविजनलिस्ट और धार्मिक नेता को इस्तांबुल में तुर्की की एक अदालत ने 10 अलग अलग अपराधों के लिए 1045 साल की सजा सुनाई है। अदनान ओक्टार एक धार्मिक पंथ का नेता है। इस पंथ को आपराधिक संगठन माना जाता है। 64 वर्षीय ओक्टार और उनके दर्जनों अनुयायियों को 2018 में एक साथ देशव्यापी छापेमारी में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें कई अन्य अपराधों के अलावा एक आपराधिक गिरोह बनाने और नाबालिगों के यौन शोषण का दोषी पाया था। ओक्टार ने रूढ़िवादी विचारों का प्रचार किया, जबकि महिलाओं ने उन्हें बिल्ली का बच्चा कहा, जिनमें से कई ने टीवी स्टूडियो में उसके साथ डांस किया था। अब उनके द्वारा किए गए भयानक दुर्व्यवहार के बारे में खुलकर बात कर रही है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला ने बताया कि जब वो 16 साल की थी, तब पंथ के नेता ने उसका यौन शोषण किया था और 20 साल की उम्र में बिना सामान्य एनेस्थेटिस्क के राइनोप्लास्टी कराने के लिए मजबूर किया था। उसने कहा कि वो अभी भी ऑपरेशन से आहत है। मुझे अभी भी हथौड़ा याद है, मैं गिन रही थी कि वो कितने बार हथौड़े और छेनी को मेरी नाक पर मार रहे थे। निजी एनटीवी ब्रॉडकास्टर ने बताया कि उन्हें यौन उत्पीड़न, नाबालिगों के यौन शोषण, धोखाधड़ी और राजनीतिक और सैन्य जासूसी के प्रयास सहित अपराधों के लिए 1045 साल की सजा सुनाई गई। अनादोलू समाचार एजेंसी के अनुसार इस मामले में कुल 236 संदिग्धों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, जिनमें से 78 को गिरफ्तार किया गया है। सुनवाई में भद्दे डिटेल और कठोर यौन अपराध के आरोप भी शामिल हैं। ओक्टार ने दिसंबर में पीठासीन न्यायाधीश को बताया कि उनकी करीब 1000 गर्लफ्रेंड है। अक्टूबर में एक अन्य सुनवाई में उसने कहा कि मेरे दिल में महिलाओं के लिए प्यार की बाढ़ आ गई है। प्यार एक मानवीय गुण है, ये एक मुसलमान का गुण है। उन्होंने एक अन्य अवसर पर कहा कि मैं असाधारण रूप से शक्तिशाली हूँ। पुलिस को उनके घर से मिली 69,000 गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में पूछे जाने पर ओक्टार ने कहा कि उनका इस्तेमाल त्वचा संबंधित विकारों को खत्म करने के लिए किया जाता है। ओक्टार एक रचनाकार है, वो विकास के डार्विनियन सिद्धांत को खारिज करता है और उन्होंने हारून याहिया के कलम नाम के तहत द एटलस ऑफ क्रिएशन नाम की एक 770 पृष्ठ की पुस्तक लिखी है। रूढ़िवादी इस्लामी उपदेशक अक्सर कम कपड़े पहनने वाली महिलाओं से घिरे अपने उपदेशों को प्रसारित करते थे।